الحمد لله رب العالمين अगर निया करेंसी की कीमत ज़्यादा हो तो हम खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं। पेशाब की तकलीफ़ है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। तीन तवाफ़ हो गए, वज़ू टूट गया, तीन तवाफ़ नहीं तीन चक्कर हो गए, वज़ू टूट गया, वापस आके इब्तदा से शुरू करो। पुरफितन दौर के अंदर अपनी ज़बानें बंद रखें और आमाल सालिहा की कोशिश करें। कोई झंडे वंडे न लगाएं, बस इस्लाम का झंडा लगाएं। एक पीर साहब हैं, वो सादात से भी हैं, लेकिन वो न नमाज के लिए कहते हैं न कुरान के लिए। वो कहते हैं पहले बंदों के हकूक पैदा करो, तो अल्लाह के हकूक छोड़ दे हैं। अल्लाह के हकूक पहले हैं। और उम्र की अदायगी के लिए रवाना पता नहीं के एहराम पाने से पहले हैज शुरू हो गई, तो बाहर अगर नियत कर चुकी है तो बैठी रहे, पाक होके उम्र करें। बहरहाल पाकिस्तान में उलमा को खत अल्लाह हिफाजत फरमाए, पूरी दुनिया में जहाँ भी उलमा हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक जिनने दुआ के लिए लिखा है सबकी दुआएँ कबूल फरमाएँ। अगर एक आदमी एहराम की हालत में आया है लेकिन थका हुआ था, नींद का गलबा था, सो गया, सुबह को मरा किया, कोई बात नहीं, लाइफ इंश्योरेंस नाजायज है। अमेरिका से बैरूत आए, एहराम बांधा, नियत कर ली, अमीर मसला हो गया, एहराम तीनों एहराम उतरवा दिया, 24 घंटे सिले कपड़े पहने, फिर जिद्द से एहराम पहन लिया, ठीक है, लेकिन दम है आप पर, दम दे दें, उम्रा आपका ठीक हो गया। जहां हर में अगर आप कज़ा नमाजें पढ़ेंगे तो उनका भी एक का लाख सवाब मिलेगा। अगर एक उम्रा करने के बाद दूसरा करने का इरादा हो तो गुस्ल जरूरी नहीं है। बहरहाल वालिद वालदा के नाम पे उम्रा कर सकते हैं। मेरी शादी को 35 साल हो गए लेकिन जरासीम की कमी के बायस औलाद नहीं है। बस सब्र करो, अब क्या होनी है। हत्ता के सही हदीस में है, एक आदमी ने, मक्के का आदमी था, उसने अंसारी लड़की से शादी की, यानी लड़की मदीने मुनव्वरा के अंसार की थी, शादी करने वाला मक्के का मुहाजिर था। मियाँ बीवी जब रात को इकट्ठे हुए, अब वो बीवी को कहे ऐसे लेट जाओ, खड़ी हो जाओ, ऐसे बैठ जाओ, ऐसा। उसने कहा क्या कहते हो तुम, हम तो सिर्फ सीधा सो के जिमा कराती हैं। उन्होंने कहा ये क्या मतलब है, जब शरीयत में। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल, हजूर से पूछेंगे, फिर उसके बाद जैसे तुम्हारी मर्जी आए करना। उन्होंने कहा ठीक है। सुबह को हजूर की शिद्दत में आए, उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ बस औरत का पिछला हिस्सा इस्तेमाल न करो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, खड़े होके, बैठ के, लेट के, जो चाहो करो। फातू हर सकुम अन्नाशे। एक आदमी के बाल नहीं हैं, वो आर्टिफिशियल बाल लगवा सकते हैं, हाँ लगवा सकता है, लेकिन वो बाल जो है किसी बंदे के ना हों, आजकल जैसे वो प्लास्टिक से बने हुए हैं वो लगवाए, क्यों बंदे का पता नहीं, काफिर के हैं, मुसलमान के हैं।